हेलो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की शिक्षा विभाग के आज के न्यू अपडेट के बारे में। प्रदेश में शिक्षकों के लिए यहाँ पर जो है तबादला एक्ट आसान करने की तैयारी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि शिक्षा विभाग में तबादलों की जो है विसंगति दूर करने को सरकार यहाँ जो राज्य सरकार जो हरियाणा की जो है यहाँ पर तबादला नीति के अनुसार जो है व्यवस्था लागू करने की तैयारी में है। इसको लेकर जो यहाँ पर मुख्य सचिव डॉक्टर जो SS संधू हैं, उन्होंने यहाँ शिक्षा सचिव रविनाथ रमन को यहाँ पर जो है हरियाणा की पॉलिसी के अनुसार जो है ड्राफ्ट तैयार करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में जो है 30 सितंबर तक जो है कर्मचारी की छुट्टी पर रोक। तो यहाँ पर देख सकते हैं शिक्षा विभाग में उत्तराखंड में 30 सितंबर 2022 तक जो है राज्य में सरकारी कर्मचारियों की जो है छुट्टी पर जो है यहाँ पर रोक लगा दी गई है। और मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू की ओर से यहाँ जो है इस संदर्भ में जो है आदेश जारी कर दिए गए हैं और मुख्यमंत्री ने यहाँ पर दिए निर्देश। तो यहाँ पर देख सकते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने जो है अफसरों के जो है अवकाश पर रोक लगाने के निर्देश दिए थे। और वहीं बात करें यहाँ पर शिक्षक कर्मियों को यहाँ पर दिया अधिक वेतन होगी वसूली। तो यहाँ पर देखते हैं उत्तराखंड के विद्यालय शिक्षा विभाग में 3,000 कर्मिकों को यहाँ पर जो है इनका मामला है। और यहाँ पर बताया गया है कि शिक्षा विभाग में करीब करीब जो है 3,000 से जो अधिक जो है शिक्षा कर्मचारी ऐसे हैं जिनका यहाँ पर जो है नियमों के विपरीत जो है अधिक वेतन यहाँ पर देने का मामला सामने आया है। और इस संबंध में जो यहाँ पर वित्त नियंत्रक विद्यालय शिक्षा से यहाँ पर जो है समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारियों को जो है पत्र लिखकर जो है अधिक वेतन की वसूली जो है आदेश जारी कर दिया है। तो इनकी जो है अब वसूली होनी है। और वहीं बात करें यहाँ पर मिड डे में इनके बजट को यहाँ पर कहीं और खर्च कर दिया और रिकवरी के आदेश। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जिस पैसे ऐसे हम स्कूल के बच्चों को मिड डे मील दिया जाना था और उससे जो है पर स्कूल के लिए अब जो है सामान खरीद दिया गया। और वहीं यहाँ पर बताया गया कि बिजली का बिल भी यहाँ पर जो है चुकाया गया। और जिस पर जो है पर शिक्षा अधिकारी जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं बेसिक ने यहाँ पर स्कूल के प्रिंसिपल से यहाँ पर जो है रिकवरी और मामले की जो है जाँच के आदेश दिए हैं। और मामला जो है यहाँ पर चकरा था ब्लॉक के जो राय का चिल्हाड़ यहाँ का है। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रिंसिपल के खिलाफ जो है यहाँ पर DO ने जो है बेसिक ने यहाँ पर जो है जाँच बिठा दी गई है। और राजकीय इंटर कॉलेज जो चिल्हाड़ चकरा था इसका मामला आया है। और यहाँ पर जो है मिड डे का मील जो है पैसा गबन कर दिया गया है। तो वहीं बात करें उत्तराखंड की PCS भर्ती को लेकर, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पुनर्विचार कर अभ्यर्थी को जो है मुख्य परीक्षा में बैठने की अनुमति देने के निर्देश यहाँ पर तो देख सकते हैं हाईकोर्ट ने जो है निर्देश जारी कर दिए गए हैं। और सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा के लिए पदों के लिए अब जो है परीक्षा हुई थी। और इसमें यहाँ पर उत्तराखंड के सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा के पदों के लिए यहाँ पर हुई परीक्षा में सफल अभ्यर्थी को जो है BSc वो जो है MSc कृषि में अध्ययन की नहीं पढ़ने की वजह यहाँ पर उनको अयोग्य ठहराने को जो है चुनौती देने वाली जो याचिका है उस पर हाईकोर्ट ने यहाँ पर राज्य लोक सेवा आयोग को जो है इस मामले में जो है पुनर्विचार कर अभ्यर्थी को जो है वो मुख्य परीक्षा में बैठने की अनुमति देने के लिए कहा गया। तो हाईकोर्ट ने जो है इनको कहा गया है लगभग यहाँ पर बताया गया कि 101 अभ्यर्थी यहाँ पर हाईकोर्ट में जो है याचिका दायर किया गया था और अब जो है इनको भर्ती में लेना पड़ेगा। यानी कि अब यहाँ पर जो है इनकी परीक्षा में जो अनर्हता किए गए थे इनको यहाँ पर अर्हता देनी पड़ेगी UPSC को। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की परीक्षाएं तो 25 जुलाई से शुरू हो चुकी हैं। तो यहाँ पर देखते हैं उत्तराखंड के मुक्त विश्वविद्यालय की वार्षिक और यहाँ पर सेमेस्टर से संबंधित जो मुख्य परीक्षा होंगी, बैक परीक्षा होंगी और सुधार परीक्षा होंगी 25 जुलाई से यहाँ पर शुरू हो जाएंगे सभी के। और वर्तमान में जो है विश्वविद्यालय के प्रदेश में जो है 8 क्षेत्रीय सेंटर और यहाँ पर 128 जो है अध्ययन केंद्र हैं जिनमें जो है यहाँ पर अध्ययनित स्नातक स्नातक और डिप्लोमा प्रोग्राम में करीब जो है 85,000 से ज़्यादा यहाँ पर परीक्षा अभ्यर्थी यहाँ पर परीक्षा में जो है बैठेंगे। और परीक्षा निरीक्षक डॉक्टर सोमेश कुमार ने मुताबिक जो है परीक्षा जो है 3 शिफ्ट में होंगी। ठीक है, तो 3 शिफ्ट में होंगी जिसमें आपका यहाँ पर बताया गया है कि प्रवेश पत्र जो परीक्षा देती थी 10 दिन पहले निकलेगा। ठीक है, प्रवेश पत्र जो है 10 दिन पहले ही आपको देखने को मिल जाएगा और बाकी जो सेंटर है वो देखने को मिलेगा। इसकी प्रस्ताव जो डेट है वेबसाइट में देखने को मिल जाएगा। सभी की जो है डेट शीट यहाँ पर जारी कर दी गई है। बात करें यहाँ पर अग्निपथ भर्ती को लेकर, तो अग्निपथ पर जो है बेटियों ने भी यहाँ पर दिखाया उत्साह। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि नौसेना की जो है अग्निपथ भर्ती योजना में जो है रविवार तक जो है 10,000 से ज़्यादा जो है लड़कियों ने जो है कराया रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर देख सकते हैं लड़कियाँ भी जो है काफ़ी बढ़ चढ़ कर जो हिस्सा ले रहे हैं अग्निपथ योजना को लेकर। तो 10,000 से ज़्यादा लोगों ने यहाँ पर जो है अभी तक अप्लाई कर दिया है लड़कियों ने। और सेना में जो है 46,000 अग्निवीर की भर्ती। तो यहाँ पर देख सकते हैं केंद्र सरकार ने यहाँ पर कहा कि वह जो है इस साल जो है यहाँ पर सेना में जो है 46,000 अग्निवीरों की भर्ती करेगा। और अग्निपथ योजना के तहत जो है युवाओं को जो है 4 साल तक जो है यहाँ पर तीनों सेनाओं के
सेवा का जो यहाँ पर मौका देगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, और वहीं यहाँ पर अग्निवीर योजना पर जो है सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई अगले हफ्ते। तो अग्निवीर योजना को लेकर जो है यहाँ पर एक याचिका दायर किया गया है जिसमें यहाँ पर इन पर होनी है। और वहीं यहाँ पर क्योंकि काफ़ी कई लोगों की परीक्षा भी छूटी थी यहाँ पर, और इस वजह से अग्निवीर भर्ती में यहाँ पर जो बाधित हुई थी, मतलब कि यहाँ पर जो है ऐसे लोग भी थे जिन्होंने यहाँ पर जो परीक्षा देनी थी, फिजिकल वगैरह सब कुछ निकाला था, या किसी का रिटन एग्जाम होने के बाद जो रिजल्ट रुका था भर्ती में, तो इसी वजह से यहाँ पर अग्निवीर आने से उनका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। इसको लेकर भी कोर्ट में केस दायर है और इसकी जो है अगली सुनवाई होनी है अब। और वहीं बात करें यहाँ पर प्रदेश में जो है हरेला पर्व जो है पर रोपे जाएंगे 15 लाख से अधिक पौधे। तो यहाँ पर 16 जुलाई को प्रदेश भर में जो है मनाया जाएगा पर्व। बात करें यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में यहाँ पर नहीं भरे खाली पद। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि साल भर में जो है निकाली जा चुकी है 6 विज्ञप्तियाँ, लेकिन 20 डॉक्टर की नियुक्ति नहीं हुई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो रिक्त पद थे उनके यहाँ पर जो है अभी तक जो है भर्ती नहीं हो पाई है, और कहा गया है कि यहाँ पर जो है साल भर में 6 विज्ञप्तियाँ जारी कर दी गई हैं, लेकिन 20 डॉक्टर अभी तक यहाँ पर नहीं भर पाए हैं। तो राजकीय मेडिकल कॉलेज में यहाँ पर डॉक्टरों की कमी को जो है दूर करने का जो है चुनौती बन गया है। और कॉलेज प्रशासन ने जो है संविदा पर जो है नियुक्ति के लिए पिछले 1 साल में जो है 6 बार जो है यहाँ पर विज्ञप्ति जारी की, इसके बावजूद भी जो है 20 डॉक्टर भी यहाँ जो है नियुक्त नहीं हो सके। तो यहाँ पर देखते हैं कैसी स्थिति यहाँ पर उत्तराखंड में है। और यहाँ पर बताया गया है कि 400 डॉक्टरों के पद स्वीकृत किए गए हैं, इनमें से 150 जो है डॉक्टर यहाँ पर कार्यरत हैं, और 1 साल में जो है 6 बार जो है विज्ञप्ति जारी की गई है। 20 डॉक्टर अभी तक यहाँ पर जो है ज्वाइनिंग नहीं किया गया है, और 65 जो है सीटें हैं MD वो जो है MS की हैं, और 120 जो है सीटें MBBS की हैं, और 1500 जो है मरीज पहुँच रहे हैं प्रतिदिन, ऐसा बताया गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर 90 सरकारी स्कूलों के जो है बिजली कनेक्शन कटे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ऊर्जा निगम की ओर से यहाँ पर जो बिजली कनेक्शन जो है काट दिए गए हैं सरकारी स्कूलों के। और वहीं बात करें यहाँ पर BSc MSc कृषि वाले जो है अभ्यर्थी को राहत। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हाईकोर्ट ने जो है यहाँ पर आयोग को दिए मुख्य परीक्षा में जो है यहाँ पर शामिल करने का निर्देश। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो जिन्होंने अब BSc MSc किया कृषि से, उनको अब जो है यहाँ पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में जो है भर्ती करने का मौका मिलेगा, और यहाँ पर जो पहले भारत कर दिए गए थे, और इसकी वजह से यहाँ पर जो है इनको कोर्ट केस दायर करना पड़ा। अब यहाँ पर एक अभ्यर्थी को यहाँ पर मौका मिलेगा भर्ती में। और वहीं बात करें यहाँ पर अग्निपथ योजना में जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है सुनवाई, जो अगली सुनवाई होगी वो 11 तारीख को है। 11 को जो है कोर्ट खोलने पर उसी सप्ताह जो है उचित पीठ के समक्ष जो यहाँ पर सुनवाई के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। और यहाँ पर सशस्त्र सेना में जो यहाँ पर भर्ती की योजना अग्निपथ की जो है चुनौती देने वाली जो जनहित याचिका है उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट अगले सप्ताह जो है यहाँ पर सुनवाई करेगा। और वहीं बात करें यहाँ पर दिल्ली खेल जो स्कूल हैं उसमें यहाँ पर दाखिले के लिए 12 जुलाई तक जो है आवेदन कर सकते हैं, वेबसाइट यहाँ पर जारी किया गया है। वहीं बात करें यहाँ पर आज की जॉब अलर्ट को लेकर, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि TSDC इंडिया लिमिटेड यहाँ पर जो है 35 पदों की वैकेंसी निकली है इंजीनियर ट्रेनी की। इसके लिए यहाँ पर जो है आपको आवेदन करना है, 30 वर्ष से अधिकतम रहेगी, और 600 रुपये का चालान रहेगा, वेबसाइट यहाँ पर जारी किया गया है। और NLC में यहाँ पर जो है स्पेशलिस्ट डॉक्टर की पोस्ट निकाली गई है, इसके लिए यहाँ पर 57 वर्ष निर्धारित की गई है, और इसके लिए यहाँ पर देख सकते हैं 21 जुलाई 2022 तक आवेदन कर सकते हैं, 854 रुपये का यहाँ पर शुल्क रहेगा, वेबसाइट यहाँ पर जारी किया गया है। और पशुपालन विभाग में जो यहाँ पर SP में 60 पदों की वैकेंसी निकाली गई है, 18 से 45 वर्ष के अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पर कॉन्टैक्ट के आधार पर रहेगा, वेबसाइट यहाँ पर जारी किया गया, 26 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। और वहीं यहाँ पर भारतीय पर्यटन विकास निगम लिमिटेड में पोस्ट निकाली गई है, 25 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं, और वेबसाइट यहाँ पर जारी किया गया है। और वहीं राष्ट्रीय ग्रामीण बुनियादी संरचना विकास एजेंसी यहाँ पर जो 15 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर DAV कॉलेज में यहाँ पर 3815 सीटों पर जो है दाखिले को आवेदन शुरू होते हैं, यहाँ पर DAV कॉलेज में आवेदन शुरू हो चुके हैं, और कुल सीटें अगर BA में बात करें 1475 के करीब हैं, BCOM में 1200 के करीब हैं, BSc PCI में 500 हैं, BSc ZBC 430 है, और BSc आपके यहाँ पर PMS यहाँ पर जो है 210 हैं, और यहाँ से आप कर सकते हैं आवेदन, वेबसाइट यहाँ पर जारी किया गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर 10,000 से ज़्यादा जो है बेटियों ने कराया नौसेना में भर्ती के लिए पंजीकरण। तो यहाँ पर देख सकते हैं अग्निपथ योजना के तहत जो है 10,000 से ज़्यादा लोगों ने यहाँ पर जो है महिला अभ्यर्थी ने इस पर रजिस्ट्रेशन करवा दिया गया है। अग्निपथ पर जो है चलने को जो है उत्साहित जो है बेटियां हैं, और 30 महिला जो है अधिकारी तैनात। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि युद्धपोत जो है पहले से यहाँ पर 30 महिला अधिकारी अभी तक जो है तैनात भी हैं, और सेना के तमाम रैंकों में भी महिला की भर्ती शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पर देख सकते सशस्त्र बलों में 1990 से ही यहाँ जो है महिला अधिकारी को जो है भर्ती किया जा रहा है, लेकिन 2019-20 में जो है बदलाव के बाद जो है सेना के तमाम रैंकों में जो है यहाँ पर महिलाओं को भी जो है भर्ती करने की आदेश यहाँ जारी कर दिए गए थे। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड के वन
विकास निगम में जो है इसके जो अध्यक्ष हैं कैलाश गलहोती, उनके द्वारा बताया गया है कि यहाँ पर जो है वन निगम में खाली पदों को भरने के लिए यहाँ पर जल्दी यहाँ पर प्रक्रिया जल्द से जल्द जो है शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि यहाँ पर निगम की स्थिति को सुधारने को लेकर जो है सभी उपाय यहाँ पर किए जा रहे हैं, यानी कि आपके जो वन निगम है यहाँ पर जो है वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने को जल्दी मिलेगी। और वहीं बात करें उत्तराखंड के लोक सेवा की ओर से यहाँ पर जो है एक विज्ञप्ति जारी किया गया है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि महिला कल्याण विभाग में जो है अधीक्षिका पद हेतु यहाँ पर स्क्रीनिंग परीक्षा जिसके यहाँ पर जो है आंसर की जारी कर दी गई है, ABCD सेट की भत्ते कुंजी जारी कर दी गई है। इसके लिए यहाँ पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं आप 11 जुलाई तक, 5 जुलाई से लेकर 11 जुलाई के बीच में आप कर सकते हैं, और 50 रुपये प्रति प्रश्न के हिसाब से आप जो शुल्क देना पड़ेगा। तो इन पदों पर जो है आप अपना जो प्रत्यावेदन है वो लगा सकते हैं। और वहीं बात करें अब स्नातक कोर डिप्लोमा कोर्स कर सकेंगे पशु प्रेमी, तो यहाँ पर जो है इग्नू ने जो है जुलाई 2022 सत्र के लिए आप जो है पशु कल्याण में जो है स्नातक कोर डिप्लोमा शुरू कर दिया गया है। डिप्लोमा जो है प्रवेश के लिए छात्रों को यहाँ पर जो है किसी भी विषय में जो स्नातक होना जरूरी है, और अभ्यर्थी जो है 31 जुलाई तक जो है ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। तो वहीं बात करें उत्तराखंड की शिक्षा भर्ती को लेकर शीघ्र जो है यहाँ पर विज्ञप्ति जारी करने की मांग किया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि योग प्रशिक्षण बेरोजगार महासंघ ने जो यहाँ पर राजकीय महाविद्यालय में 119 जो है पदों पर योग प्रशिक्षकों की यहाँ पर तैनाती के निर्णय का जो है योग प्रशिक्षक बेरोजगार महासंघ ने यहाँ पर स्वागत किया है। और इस संबंध में यहाँ पर जो है जुड़े बेरोजगारों ने यहाँ पर शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत से यहाँ पर उनके आवास पर मुलाकात कर उनका आभार जताया। और इस दौरान जो यहाँ पर मंत्री ने जो है शीघ्र जो है नियुक्ति का जो है शासनादेश जारी कराने की जो है का निर्देश यहाँ पर जो है निवेदन किया गया। तो यहाँ पर देख सकते शिक्षा मंत्री से यहाँ पर जो है शीघ्र इसके यहाँ पर जो है शासनादेश जो है जारी करने की मांग किया गया, इनकी विज्ञप्ति जो है जारी हो जाएगी अब। और वहीं बात करें यहाँ पर DAB में जो है प्रवेश के लिए यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन शुरू, तो यहाँ पर देख सकते DAB में जो है ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं, इसकी प्रक्रिया सोमवार से यहाँ पर शुरू होगी, वेबसाइट यहाँ पर जारी किया गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर 10 के बाद जो है जारी होगा नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का परिणाम, तो यहाँ पर देख सकते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का जो परिणाम है 10 जुलाई के बाद यहाँ पर जारी कर दिया जाएगा। और कक्षा 6 में जो है प्रवेश के लिए यहाँ पर जो है 30 अप्रैल को यहाँ पर परीक्षा कराई गई थी, अब इसका रिजल्ट जारी हो जाएगा। और वहीं बात करें उत्तराखंड की पुलिस भर्ती को लेकर शारीरिक दक्षता परीक्षा में जो है 6443 अभ्यर्थी यहाँ पर रहे सफल, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि उत्तरकाशी जनपद में पुलिस में आरक्षी पदों पर जो है 11844 अभ्यर्थी यहाँ पर किया गया था आवेदन, और बताया गया कि यहाँ पर जो है 6443 जो है यहाँ पर अभ्यर्थी सफल रहे, जिसमें यहाँ पर इनकी शारीरिक दक्षता संपन्न कर दी गई है, और अब जो है यहाँ पर लिखित परीक्षा में प्रतिभाग करेंगे इतने लोग, तो यहाँ पर देख सकते हैं। और वहीं यहाँ पर पुरुष और महिला अभ्यर्थियों की यहाँ पर हुई थी फिजिकल, तो काफ़ी लोगों ने यहाँ पर जो प्रतिभाग किया, इनमें से यहाँ पर सफल अभ्यर्थी 6000 के करीब हुई, जिसमें 11000 के लोग ने अप्लाई किया हुआ था। और वहीं बात करें उत्तराखंड में LT शिक्षकों की नई वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है, जिसमें यहाँ पर 23 श्री सनातन धर्म पूर्व माध्यमिक कन्या महाविद्यालय जाफरपुर यहाँ पर पोस्ट निकाली गई है उधमसिंहनगर में, और इसके लिए यहाँ पर जो है 22 तारीख से पहले पहले आपको आवेदन करना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ पर जो है महिला अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं, एक तो आपके गणित की पोस्ट है LT में, एक यहाँ पर SST की पोस्ट है, और इसमें जो है अनारक्षित का है मैथ्स का, और यहाँ पर जो SST का यहाँ पर अनुसूचित जाति का है, तो इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। मुख्य शिक्षा अधिकारी उधम सिंह नगर यहाँ पर जो है आपको फॉर्म मिलेगा, 300 रुपये का ड्राफ्ट मिलेगा, जिसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म आपको ऑफलाइन तरीके से रहेगा।